हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और अभी बजा है 6:30 और ये रात में बर्तन धुल के रखे थे तो इनको सेट कर देंगे। बाकी जो भी काम थे, झाड़ू वगैरह, वो सब लगा दिए। अब बस चाय रखेंगे और ये बर्तन सेट करेंगे और खाने की तैयारी करेंगे। और लंच बॉक्स पर तैयार करना है विवान के लिए, तो लंच बॉक्स तैयार करेंगे। तो उससे पहले चाय रख देते हैं बनने के लिए। तो विवान की आज फ्राइडे है तो विवान को आज स्कूल जाना होगा, फिर बाद में सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी रहती है उसकी। तो बस ये सब्जी में बनाने जा रहे हैं, बैंगन आलू की सब्जी। और विवान के लिए बनाएंगे मूंग की दाल का चीला। तो बस ये सारी तैयारी, हमने मूंग की दाल तो रात में ही भिगो के रख दी थी, अब बस उसको धो के और फिर पीस लेंगे। छोटी कटोरी ही दाल भिगोई थी तो बस इसको लोटे में भिगो दी थी और अब इसको धुल लेंगे। अब धुलने के बाद में इसको पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डालेंगे नहीं, इसमें सिर्फ नमक जाएगा और आधी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे बस, क्योंकि फिर मिर्ची हो जाएगी तो खा नहीं पाएगा। बस इसको पीस लेंगे। अभी ये दाल पीस के तैयार है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अभी गाढ़ी है थोड़ी सी, इसको पतला ही बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। दाल हमारी जो है मूंग की दाल पीस के तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, खूब अच्छे से इसको चला दिया था तो एकदम फ्लफ़ी और बढ़िया एकदम फूल गई है। अब इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक सब्जी काट लेंगे। तो यहाँ पे एक ही बैंगन की सब्जी बनाएंगे और सब्जी में प्याज वगैरह नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर डालेंगे। और इसको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेंगे और 2 छोटे आलू डालेंगे बस, और ज़्यादा नहीं कुछ पड़ेगा इसमें। तो बस आलू को 4 भागों में काट लेंगे। तो प्याज और ये टमाटर जो है अंकुरित चने हैं तो उनके लिए काटेंगे। यहाँ पे जीरा डाला है, हींग डाली है। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसको अच्छे से भूंज लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मसाले में धनिया, सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च कुटी हुई, ये डालेंगे। अब इन मसालों को अच्छे से भूंज लेंगे थोड़ी देर के लिए। टमाटर जब तक मसाले जो हैं एकदम लाल नहीं हो जाते तब तक इनको ऐसे ही भूंजेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे, फिर इसको चलाएंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब जो है, अब इसमें सब्जी जो काटी थी, बैंगन और आलू, ये डाल देंगे। अब इसको ढाक देंगे, जब तक बैंगन और आलू अच्छे से गल नहीं जाता है तब तक इसको ढाक देंगे। और तब आटा मार लेते हैं, आटा लगा लेंगे और एक साइड में। तब तक सब्जी भी बन रही है और चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, बस आटा लगा लेंगे और उसके बाद चाय को भी छान लेंगे। तो आटे को हम इसको लगा के, आटे को गूंथ के फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट रहे। ऐसे रखा रहता है तो फिर उसमें थोड़ा सा सूखापन आ जाता है, ऊपर से लेयर जो है एकदम सूखी सूखी सी हो जाती है। तो इसे एक डिब्बे में बंद करके रख देते हैं, इससे आटा जो है सॉफ्ट रहता है। फिर सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी है और एक तरफ भी बांध के चीले की तैयारी करेंगे। तो पनीर को कस लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ और साथ में नमक स्वादानुसार, काली मिर्च कुटी हुई, और इसमें जाएगा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस इनको मिक्स कर देंगे और ज़्यादा हरी मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, नहीं तो वो गुस्सा करेगा। और यहाँ पे सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी है हमारी, बैंगन और आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसको परस लेंगे और यहाँ पे अंकुरित जो चने हैं तो इनको भी इसमें डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद में इसमें डालेंगे हरा धनिया और साथ में हरा नमक, और बस इसको रख देंगे एक साइड में। ये चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा और विवान के लिए भी तैयारी कर लें। तो इसको 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट। अब इसको फिर से थोड़ा सा फेंटेंगे और गरम तवे को थोड़ा सा धीमा कर दिया है। और अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी, और घी लगाने के बाद में इसके ऊपर से जो अपना मूंग दाल का बैटर ये डालेंगे, हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते जाएंगे। जब ये अच्छे से फैल जाए तब इसको गैस जो है तेज आंच कर देंगे इसकी, और साइडों में लगाएंगे घी। तो इसको घी से ही बनाएंगे
तो साइडों में जब घी लग जाएगा थोड़ा सा ऊपर से घी डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। अब नीचे से भी अच्छे से सिक गया है, अब इसको पलट देंगे, एक साइड से और सेक लेंगे। अब इसमें बीच में पनीर लगाएंगे। तो इसमें हमने हरी मिर्च नहीं डाली है, आपने देखा काली मिर्च डाली है, हरी मिर्च नहीं डाली है, हरा धनिया नहीं डाला है, क्योंकि उसको हरा धनिया और हरी मिर्च देख के कहता है कि ये मिर्ची है, इसी वजह से नहीं डाला है। तो यहाँ पे दूसरा भी बना लेंगे। पहले तवा को जो है थोड़ा ठंडा करेंगे और पोंछ लेंगे और थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर उसके बाद में इसमें डाल देंगे। ये विवान का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और वो लंच बॉक्स हो जाएगा। तो उसको यही खाना था, ब्रेकफास्ट में भी यही खाना था, लंच बॉक्स में यही खाना था। उसको बहुत अच्छा लगता है डोसा और ये चीले। तो बस ये बनके तैयार है। अब इसकी ना कट कर देंगे ताकि इसको खाने में आसानी रहे। तो इसके कट कर देंगे और फिर बन में फिर उसको लंच बॉक्स में लगा देंगे। तो ये इसको यही सब खाने में अच्छा लगता है, सब्जी वगैरह नहीं खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने जो है इसके चार पीस हो चुके थे, तो चार पीस रख दिए इसके हैं, और साथ में थोड़े से मखाने रख देंगे और छोटे बिस्किट थे ये रख देंगे, और साथ में थोड़ा सा टमाटो केचप रख देंगे ताकि वो अच्छे से खा ले। और ये हमारा लंच बॉक्स तैयार हो चुका है। तो इसमें ये सॉस वगैरह है ये निकलता नहीं है, और ये दूसरा विमान का ब्रेकफास्ट का भी तैयार हो चुका है। अब बस इसको अब थोड़ा सा फैला देंगे और फोल्ड करके रख देंगे। तो यहाँ पे अपना विमान ब्रश कर रहा है और सारा काम हो चुका है। ये विमान का अभी जो है ब्रेकफास्ट करेगा, बस ब्रश करके नहा लेगा और फिर स्कूल जाएगा तैयार होके। और 9 बजे, अभी 8:30 बजे है अभी टाइम है। तो विवान को स्कूल में छोड़ दिया था, फिर उसके बाद चाय पीने के बाद में फिर से अपने सफाई वगैरह करने में लग गए। तो यहाँ पे गैस वगैरह और चिमनी वगैरह सब साफ़ कर देंगे, और जब तक सफाई वगैरह करेंगे उसके बाद में विवान की छुट्टी हो जाएगी। 12:30 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, 9:30 से 12:30 बजे तक स्कूल है। और यहाँ पे पेड़ों में पानी वगैरह डाल देंगे, फिर विवान को लेकर आएँगे, और आने के बाद में उसको खाना वगैरह खिलाएंगे, रोटी सेकेंगे, फिर बाद में सुला देंगे उसको थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को फिर से कुछ नाश्ता वगैरह तैयार करेंगे। अब शाम के 5:30 बज चुका है, और ये मूंग की दाल सुबह जो चीला बनाया था वो बच गया था, तो ये बच गया था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे चने की दाल और उड़द की दाल भिगो के रखी थी। तो अब हम बनाएंगे राम लड्डू, दिल्ली की फेमस चाट है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए उड़द की दाल और चने की दाल को एक साथ में पीस लेंगे, और इसमें नमक वगैरह अभी कुछ नहीं डालेंगे, बस ये दाल को जो है पीस लेंगे। तो यहाँ पे जो है दाल को अच्छे से मैं पीस लिया है, और इसको तब तक पीसेंगे एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम मखमल की तरह। फिर इसको लगातार इसको चलाएंगे और फेंटेंगे ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट एकदम स्मूथ बन के तैयार हो जाए। और इसमें अभी हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, अभी सिर्फ ऐसे ही दाल को है पीस लिया है। तो इसको 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक चटनी बना लेते हैं। तो चटनी में हरा धनिया डालेंगे और साथ में अदरक डालेंगे, इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 साबुत डालेंगे, 1.5 हरी मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं तीखी करेंगे क्योंकि विमान को भी खाना है। तो इसमें 2 स्वादानुसार नमक डालेंगे और साथ में थोड़ी सी लहसुन डालेंगे। अब इसको बारीक पीस लेंगे, और ये चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। चटनी भी हमारी बनके तैयार है। अब जो दाल पीसी थी अब इसमें डालेंगे नमक, और 1 से 1.5 चम्मच करीबन ऐसे ही चटनी डाल लेंगे इसी में, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, और खूब अच्छे से पूरा बढ़िया से फेंटेंगे ताकि ये चटनी भी मिक्स हो जाए और नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारी फिट के तैयार है। अब पानी लगाएंगे हाथों में, और अब इसके मगौड़े तैयार करेंगे, पकौड़े।
तो ये तेल गर्म हो चुका है। हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप चाहे रिफाइंड भी ले सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद है तेल वो ले सकते हैं। और यहाँ पे वैसे तो सरसों के तेल में ही पकौड़ी जो है अच्छी लगती है, तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिए थे, तो इनको अच्छे से चला चला के दोनों साइड से बढ़िया से सेक लेंगे। तो यहाँ पे सिक्के तैयार हैं, अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग करने के लिए इसमें रखेंगे अपने राम लड्डू, और फिर बाद में इसको थोड़ा सा सजाएंगे राम लड्डू को। तो इसमें कसी हुई मूली लगाएंगे, तो इसमें कसी हुई मूली लगाएंगे और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हरा धनिया, और साथ में ऊपर से डालेंगे चटनी, हरी चटनी, और साथ में गुड़ और इमली की चटनी, और खाइए बड़ा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नए हैं वीडियो पे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही नई नई रेसिपी लाते रहेंगे।